श्री सत्यनारायण भगवान रथ कथा का चतुर्थ अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचर कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, यह दंडी का साप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के इसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चल गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गए। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। श्री सत्यनारायण भगवान रथ कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।